कोरोना महामारी ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। कारोबार बंद हो गए, काम धंधा चौपट हो गया, लॉकडाउन में बड़ी बड़ी कंपनियों पर ताला लग गया। एक तरफ प्रवासी मजदूरों के वापस अपने घर लौटने की कहानी थी, तो दूसरी ओर देश की अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिश। ऐसे में देश का कॉरपोरेट सेक्टर सामने आया और इस मुश्किल दौर में भी अपनी शक्ति का एहसास कराया। इंडिया टुडे मैगजीन ने ऐसे ही 50 पावरफुल भारतीयों की लिस्ट जारी की है, जिन्होंने दुनिया को बता दिया कि उन्हें क्यों शक्तिशाली कहा जाता है। इंडिया टुडे ने पावर लिस्ट 2021 जारी की है, जिसके मुताबिक इस लिस्ट में पहले पायदान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी हैं, दूसरे नंबर पर अडानी ग्रुप के गौतम अडानी हैं, तीसरे पायदान पर कुमार मंगलम बिरला हैं, चौथे नंबर पर रतन टाटा और पांचवें नंबर पर उदय कोटक को रखा गया है। छठवें नंबर पर स्टील किंग सज्जन जिंदल को जगह मिली है। सातवें नंबर पर एयरटेल के सुनील भारती मित्तल, आठवें नंबर पर विप्रो के अजीम प्रेमजी, नौवें नंबर पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और दसवें पायदान पर वैक्सीन किंग अदार पुनावाला को जगह मिली है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोवैक्सीन की सबसे ज्यादा डोज बनाकर भारत में 100 करोड़ वैक्सीनेशन के आंकड़े को पार करने में अहम भूमिका निभाई। यही वजह है कि दो वैक्सीन अरबपतियों ने इस पावर लिस्ट में 18वें स्थान की छलांग लगाई है। कारोबारी जगत के अलावा इस लिस्ट में फिल्म इंडस्ट्री और खेल जगत की भी हस्तियों को शामिल किया गया है। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन इस लिस्ट में 11वें नंबर पर रहे, अक्षय कुमार 17वें नंबर पर, दिग्गज निवेशक राकेश चुंजनवाला 21वें नंबर पर, 26वें नंबर पर आनंद महिंद्रा तो 27वें नंबर पर इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को जगह मिली है। 40वें नंबर पर सलमान खान और 44वें पायदान पर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को इस लिस्ट में जगह मिली है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न वाला देश है। साल 2021 की पहली तिमाही के दौरान फिनटेक और एजुकेशन सेक्टर से जुड़े 29 स्टार्टअप्स ने भारत के प्रतिष्ठित बिलियन डॉलर वैल्यूएशन क्लब में प्रवेश किया। इस लिस्ट में भी ऐसे 4 यूनिकॉर्न को शामिल किया गया है। इस लिस्ट में वाइजूस के वाइजू रविंद्र को 20वें नंबर पर रखा गया है। 22वें नंबर पर पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा है। 36वें नंबर पर ओला के को फाउंडर भावेस अग्रवाल हैं, तो वहीं 46वें नंबर पर जोमैटो के को फाउंडर दीपेंद्र गोयल को रखा गया है। इन सभी दिग्गजों ने अपने अपने क्षेत्र में सराहनीय काम किए हैं और दिखा दिया है कि कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, ये नया भारत उन सभी मुश्किलों से लड़ने और जीतने के लिए बिल्कुल तैयार है।